नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद बीरबल की स्टोरी लेकर आया हूँ। अकबर का कोई रोल नहीं है, बीरबल की स्टोरी है और स्टोरी में आज आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज की है, जिससे मैं आपको डिटेल में समझाने का मुझे मौका मिलेगा। स्टोरी छोटी होती तो ज़्यादा डिटेल में समझा पाता हूँ। यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है ना, प्रपोजिशन, आर्टिकल और बहुत सारे आपको जैसे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, बहुत सारी टेंसेस है ना, ग्रामर, सभी का आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ क्योंकि स्टोरी थोड़ी छोटी है लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार है। मुझे तो बहुत पसंद आई स्टोरी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर थोड़ी एक दो स्टोरी डिटेल में समझाइए, क्योंकि बहुत से लोग बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, उन्हें है ना सब चीज़ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द एग्जैक्ट इमेज। एग्जैक्ट इसका मतलब होता है सटीक, एकदम सही, यानी जैसा चाहिए था वैसा, उसे हम एग्जैक्ट कहा जाते हैं, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। तो सटीक इमेज, इमेज यानी छवि, चित्र को इमेज कहा जाता है। चलिए देखते हैं भाई बिल्कुल एग्जैक्ट चित्र किसका था। वन इवनिंग, एक शाम, एज बीरबल वॉज स्ट्रोलिंग, एज यानी जब, बीरबल वॉज स्ट्रोलिंग, बीरबल टहल रहा था। अब टहल रहे थे बोलेंगे, बड़े हैं तो सम्मान है, टहल रहे थे ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज यानी होता है जब, जबकि, के रूप में, बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पे जब हो जाएगा। बीरबल ये सब्जेक्ट है आपका, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रोलिंग, स्ट्रोल यानी होता है टहलना। अब आईएनजी लग गया, यदि वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, रहा था, रही थी। तो एक शाम अकबर टहल रहे थे इन यानी में द रॉयल गार्डन, शाही बगीचे में या फिर शाही उद्यान में, एज ए प्रीपोजिशन इनके लिए यूज किया गया है। तो शाही उद्यान में वो टहल रहे थे। ही सॉ दैट द चीयरफुल नेचर रॉयल पेंटर वॉज स्टैंडिंग अ पेंसिव मूड। यहां पे नया नया वर्ड मिल गया आपको, ही यानी वह या उसने, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्यों होता है, किसी के नाम के जगह हम बोलते हैं, जैसे आपका नाम राहुल है तो आपको बार बार राहुल नहीं बोलूंगा, आपको उसके जगह बोलूंगा वह जा रहा है या तुम खा रहे हो। तो आपके लिए ही मैं कभी वह का यूज़ कर रहा हूँ, कभी तुम का यूज़ कर रहा हूँ, कभी वो का यूज़ कर रहा हूँ, कभी ये का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके नाम के बदले और किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो उसे प्रोनाउन कहा जाता है, नाउन के जगह यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये आपका ही सब्जेक्ट है जो कि नाउन, जो कि प्रोनाउन है। सॉ ये आपका वर्ब होता है, सी का सेकेंड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो सेकेंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा ही, यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज़ किया था। उसने देखा दैट, दैट यानी की, दैट यानी जो भी होता है, दैट यानी की भी होता है, दैट यानी वह भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। उसने देखा कि द चीयरफुल, चीयरफुल यानी क्या होता है, हंसमुख, हंसमुख, नेचर, नेचर यानी क्या होता है, किसी का स्वभाव, उसे नेचर कहा जाता है। ये आपका एडजेक्टिव भी है, किसी का आप क्वालिटी बता रहे हो कि चीयरफुल नेचर वाला था, एडजेक्टिव भी है, हंसमुख स्वभाव का था, किसी की अच्छाई या बुराई को हम उसकी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो वो क्या था, बहुत ही हंसमुख स्वभाव का रॉयल यानी शाही पेंटर, पेंट करने वाला चित्रकार था, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था है ना, इन यानी में, अब पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, यानी बहुत ज़्यादा चिंतित, फिक्रमंद, उसे पेंसिव कहा जाता है। मूड यानी जो उसका हाल था, मनोदशा, मुद्रा को मूड कहा जाता है। तो चिंता मग्न मुद्रा में वो खड़ा हुआ था, जो हंसमुख नेचर का था लेकिन वहाँ पे एकदम चिंतित खड़ा था, फिक्र में खड़ा हुआ था। इसने देखा भाई बीरबल ने, अरे वाह, मतलब ये क्या हुआ, ये तो हमेशा हंसते रहता, चिंता क्यों, फिक्र क्यों है इसे। बीरबल वॉज टेकन अबैक, तो बीरबल वॉज यानी था या हुआ, टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान रह जाना, तो हैरान रह गए ऐसे यूज किया जाएगा, या हैरान थे बोलेंगे तो भी चलेगा। बीरबल हैरान थे, ये कैसी बात है, ऐसे क्यों हो गया। व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, तो शॉर्ट में व्हाट्स लिख गया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिए हैं, तो क्या, इसमें शॉर्ट फॉर्म है ना, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है ऐसे है ना, या क्या बात है, तो शॉर्ट में व्हाट्स लिख दिया, बट एक्चुअल में ऐसे है, व्हाट इज, क्या मामला है, क्या बात है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्या बात है। बीरबल इंक्वायर्ड, बीरबल ने इंक्वायर यानी क्या होता है, इंक्वायर आप सभी को पता है, इंक्वायरी करना, पूछना, उसी का सेकंड हो इंक्वायर्ड है, तो बीरबल ने पूछा है, सॉरी बीरबल ने पूछा, ओह है ना, ओह तो ऐसा बात, ओह अरे ऐसे,
आई एम इन डीप ट्रबल. आई मैं, एम हेल्पिंग वर्ब है, एम यानी हूँ होता है, मैं हूँ. आई के साथ बस एम का यूज होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज नहीं होता. इन यानी में डीप यानी होता है गहरे या बहुत ज़्यादा. ट्रबल का मतलब होती है परेशानी. मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, ऐसे यूज़ किया जाएगा. प्लीज़ हेल्प मी आउट. कृपया, हेल्प यानी मदद कीजिए, मी आउट यानी कृपया मेरी मदद करें, तो हेल्प मी आउट का यूज़ किया जाता है. द पेंटर सेड, तो उस जो चित्रकार ने कहा कि भाई मुझे इस परेशानी से है ना बाहर निकालने में मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो. यस, हाँ. डू टेल मी इफ आई कैन हेल्प यू. तो उसने कहा डू टेल मी, तो हाँ मुझे बताओ. डू यानी करना भी ऐसे होता है, टेल मी मुझे बताओ, इफ यदि, आई कैन मैं कर सकता हूँ, ये मोडल्स होता है कैन. आप एबिलिटी बताते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तेज दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं. और वही आप किसी से अनुमति ले, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, क्या मैं सामान ले सकता हूँ, क्या मैं पुस्तक उठा सकता हूँ, तब आप कैन का यूज़ नहीं करोगे, है ना. कैन आई कम इन नहीं बोलते, आप बोलते मे आई कम इन. तो आप जब किसी से है ना विनम्रता से पूछते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप वहाँ मे का यूज़ करते हो, कैन के नहीं करते. मे दोनों का मतलब होता है सकना, मे यानी भी सकना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन यानी भी सकना. आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, बट अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ किया जाता है. हेल्प यू, तो पूछ रहे हैं कि है ना मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. द पेंटर टुक बीरबल टू हिज मेंशन एंड शोड हिम फाइव पिक्चर्स. द पेंटर, ये आपका आर्टिकल होता है, ए एन द का यूज़ किया जाता है ना. अब यहाँ पे पेंटर ये नाउन है, इसी के बारे में बात हो रही है, इसके आगे द का यूज़ किया गया. द पेंटर टुक, टुक क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, टेक टुक टेकन. तो टेक क्या होता है, ले जाना. अब यहाँ पे बोल रहे बीरबल ले गया, तो हम वहाँ पे टुक का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस. तो पेंटर चित्रकार ने ले गया बीरबल को टू, ये प्रेपोजिशन है, किसके पास ले गया, कहाँ ले गया. यदि नाउन के पहले टू है तो प्रेपोजिशन का काम करता है, वर्ब के पहले टू हो तो के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, वो आपको बताऊँगा आगे. कहाँ ले जा रहा है, हिस मेंशन, मेंशन यानी होता है हवेली, उसे मेंशन कहा जाता है, या महल, हवेली ज़्यादा अच्छा है, महल को तो पैलेस कहते हैं. तो बीरबल को अपनी हवेली ले गया एंड शोड, और दिखाया. शो दिखाना, उसका सेकंड फॉर्म शोड होता है, दिखाया हिम उसे, है ना, हिम उसे. तो ये भी आपका प्रोनाउन जैसे यूज किया जा रहा है उसके लिए, तो हिम उसे. फाइव पिक्चर्स, पांच चित्र दिखाया उसे, पांच चित्र. All of the same person, all of यानी वो सभी, the same यानी उसी व्यक्ति के थे, सभी पिक्चर एक ही इंसान के थे जो पांच पिक्चर दिखाया. These are all pictures of अमीर सरदार, अमीर सरदार ही लिखा होगा एक गल से, है ना. तो these यानी ये, देखिए एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास में हो तो these का यूज़ करते हैं, आर लगाते हैं. एक से ज़्यादा चीज़ हमसे दूर में हो तो दोस का यूज़ करते हैं और आर लगाते हैं. एक चीज़ हमारे पास में है तो दिस इज का यूज़ करते हैं. एक चीज़ हमसे दूर में है तो दैट इज का यूज़ करते हैं. ये यूज़ होता है दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, ये अंतर रहता है. तो दीज आर, ये हैं ऑल पिक्चर्स, ये सभी चित्र ऑफ यानी के आमिर सरदार, अमीर सरदार, अमीर सरदार के सभी पिक्चर चित्र हैं, बताया उसने. ही चैलेंज्ड, ही यानी वह या उसने, तो उसने चैलेंज्ड, चैलेंज यानी चुनौती देना, तो सेकंड फॉर्म चैलेंज्ड. तो उसने चुनौती दी मी यानी मुझे टू पेंट, टू पेंट यानी पेंट करने के लिए. देखिए वर्ब के साथ यदि उससे पहले टू है तो के लिए का यूज़ किया जाता है. पेंट करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, हिज अपनी एग्जैक्ट इमेज है ना, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ई ऐसे उच्चारण कहता है, एग्जैक्ट इमेज यानी सटीक चित्र बनाने का मुझे उसने चैलेंज दिया कि बिल्कुल हूबहू मेरी चित्र बना के दिखाओ. एंड आई अग्रीड, और मैं राजी हुआ. अग्री का सेकंड फॉर्म अग्रीड है, ईडी लगे लास्ट में, और मैं राजी हो गया. आफ्टर सिटिंग फॉर द फर्स्ट पेंटिंग वन फुल डे. आफ्टर सिटिंग यानी बैठने के बाद, फॉर समय बता रहा है, फुल डे तो फॉर चूज किया गया. द फर्स्ट पेंटिंग यानी पहले चित्र बनाने के लिए ना, वन फुल डे क्या हुआ, पूरा दिन.
तो पूरा एक दिन बैठने के बाद आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, तो ही का हिम हो गया, टोल्ड, टेल का सेकंड टोल्ड होता है, मैंने उससे कहा दैट कि आई वुड रिटर्न टुमारो, आई वुड रिटर्न। तो यदि सेंटेंस में पहले पास्ट टेंस का यूज हो रहा हो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैंने कहा पास्ट टेंस हो गया, मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर टेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जहां पहले पास्ट की बात की गई हो और बाद में उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, पास्ट में बात हो रही है लेकिन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भाई मैंने उस समय कहा था कि हम बाजार जाएंगे, कहा था पास्ट में बाजार जाएंगे, फ्यूचर टेंस, तो ऐसे सेंटेंस में विल की जगह वुड का यूज किया जाता है ना। आई टोल्ड हिम, देखिए टोल्ड, टेल का सेकंड टोल्ड हो गया, मैंने उससे कहा कि आई वुड रिटर्न, मैं लौटूंगा टुमारो यानी कल, मैं कल लौटूंगा, आफ्टर गिविंग इट द फिनिशिंग टचेस, आफ्टर गिविंग इट यानी उसे देने के बाद, गिविंग इट उसमें देने के बाद, फिनिशिंग टचेस, फिनिशिंग टच आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम रूप को फिनिश टच कहते हैं ना, फिनिशिंग टचेस हो गया वो, यानी अंतिम रूप अच्छा सा जो भी उसका शैडो वैडो सब देने के बाद मैं क्या करूँगा, अंतिम रूप देने के बाद कल वापस आऊँगा मैं, उसने कहा भाई। अब वो पेंटिंग, वो चराजा का चित्र बना के घर ले गया आमिर, आमिर सरदार का, और बोला कल फिनिशिंग करके आपके पास वापस लाऊंगा। अब क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शोड हिम, ये बता रहा है ना, ये बीरबल को बता रहा है क्या क्या हुआ, आई शोड मैंने दिखाया, तो शो का सेकंड शोड, हिम यानी उसे, द पिक्चर यानी चित्र को दिखाया, बट लेकिन इट वॉज नॉट हिज एग्जैक्ट इमेज, इट वॉज नॉट ये नहीं था हिज उसका एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट इमेज यानी उसका हूबहू चित्र नहीं था, बिल्कुल सटीक चित्र नहीं था। द डे बिफोर ही हैड अ बियर्ड, देखिए अब क्या बोल रहा है, एक दिन पहले है ना, ही हैड उसका था, ऐसे किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, अ बियर्ड उसके दाढ़ी थे, बियर्ड एंड दाढ़ी होता है ना, तो एक दिन पहले उसके दाढ़ी थे, बट दैट मॉर्निंग उस दिन ही हैड उसके थे ओनली मस्टैच, से मस्टैच ऐसे भी पढ़ाया था, मस्टैच ऐसे भी कहा था ना, मस्टैच भी पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ मूछे थी, मस्टैच यानी होता है मूछ। तो देखिए पहला दिन क्या था, उसके दाढ़ी थे, तो जब चित्र बनाया दाढ़ी वाला, दूसरे दिन वो जब आया जिस दिन चित्र देखने, उसके सिर्फ मूछ थे, अब वो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं भाई मेरा तो सेम चित्र नहीं है, मेरा तो दाढ़ी है ही नहीं। अब देखिए, आई अगेन, मैं फिर, पेंटेड यानी मैंने फिर से चित्र बनाई, हिज पिक्चर, अब ये बोल रहा है मैंने अगले दिन फिर चित्र बनाया, एंड लेट इट टू गिव इट द फिनिशिंग टचेस है ना, और फिर लेट इट टू गिव इट, फिर ये उसे छोड़ दिया, लेट इट उसे छोड़ दिया, टू गिव इट यानी उसे देने के लिए, फिनिशिंग टचेस, और उसे फिनिशिंग टच देने के लिए उसे मैंने छोड़ दिया कि चलो अगले दिन फिर फिनिशिंग टच दूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई रिटर्न मैं लौटा, तो रिटर्न का सेकंड रिटर्न होता है, लौटना, रिटर्न मैं लौटा ऐसे हो जाएगा। आई शोड ये सब, सॉरी यहीं पे ना, यहाँ है, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन मैं लौटा, आफ्टर गिविंग द फिनिशिंग टचेस यानी वही अंतिम रूप देने के बाद, आई शोड मैंने दिखाया, सब पास सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो पास सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही सी इट में ऐसे ही जुड़ता है। उसे दिखाया, द पिक्चर अगेन, फिर से चित्र दिखाया मैंने, मूछ वगैरह बढ़िया बना के, दाढ़ी वाड़ी हटा के फिर से चित्र दिखाया, दिस टाइम इस बार, टू यानी भी, इट वॉज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज कनिंग अमीर हैज शेव्ड ऑफ हिज मस्टैच है ना, इट वॉज नॉट एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट फिर बोल रहा है कि ये हूबहू नहीं था, बिकॉज क्योंकि कनिंग, कनिंग यानी क्या था, चतुर चालाक धूर्त, उसे कनिंग कहा जाता है, क्योंकि चालाक अमीर ने क्या किया था, अमीर बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, हैड शेव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो शेव का सेकंड फॉर्म शेव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी शेव्ड होता है, ये शेव क्या है, शेविंग करने वाला शेव है, दाढ़ी बनाने वाला शेव है, वो बचाने वाला है, ऐसे भी सेव नहीं है, तो किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे होता है। तो उस धूर्त, उस चतुर अमीर ने क्या किया था, शेव्ड ऑफ
हिज मस्टैच, अपनी मूछों को क्या करवा लेते, शेव करवा लिया था, मूछे मुड़वा ली थी, ऐसे बोल सकते हैं, लिया था दिया था, मूछे मुड़वा लिया था। हिज पेंटिंग हैड अ मस्टैच ही हैड स्पॉटेड द डे बिफोर, ठीक है। तो उसकी जो पेंटिंग में क्या थी, वही मस्टैच थी यानी कि मूछ थी। ही हैड स्पॉटेड द डे बिफोर, जिसे उसने एक दिन पहले क्या की थी, उस पर लगाई थी, स्पॉटेड रखा था, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो एक दिन पहले जो उसने मूछे रखी थी उसे उसने सेव करा लिया था, ये बड़ा परेशानी है। थ्री मोर टाइम्स यानी तीन और बार ही मेड सम चेंजेस, उसने कुछ बदलाव किए। टू ट्रबल मी यानी मुझे परेशान करने के लिए, फिर टू के बाद वर्ब है तो ज्यादातर के लिए, मुझे परेशान करने के लिए उसने पांच बार फिर अपने आप में चेंज कर लिया और अगले दिन आ जाता था, बोलता था ये बिल्कुल मेरे टाइप का पिक्चर नहीं है, अलग है, इसमें मूछ थी इसमें मूछ नहीं है, इसमें दाढ़ी थी इसमें दाढ़ी नहीं है। अब वो बेचारा हर बार ऐसे कुछ ना कुछ चेंज कर लेता था, कपड़े बदल के आ जाता था कभी। नाउ अब आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम, वेस्टेड यानी कहता बर्बाद करना, तो हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वहां पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें होता दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई है तो हैव का यूज हो गया, और बाकी यदि ही सी इट का यूज होता था, हैज का यूज किया जाता है। आई हैव वेस्टेड, मैंने बर्बाद किया है सो मच टाइम, बहुत ज्यादा समय मैंने बर्बाद कर दिया है, एंड एफर्ट, और जो एफर्ट यानी जो क्या बोलना चाहिए, जो मैंने कोशिश की थी, जो मैंने मेहनत किया था, है ना, तो बहुत सारा समय और प्रयास बर्बाद कर दिया मैंने। विथ नो यूज यानी बिना किसी मतलब का मैंने बर्बाद, बिना किसी फायदे का, बिना किसी मतलब का बर्बाद किया। माई आर्ट एंड टैलेंट इज बींग क्वेश्चन्ड, माई आर्ट यानी मेरी कला एंड टैलेंट, और जो टैलेंट यानी जो योग्यता बोल सकते हैं, जो प्रतिभा है ना, इज बींग क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर उठा रहा है, रहे हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म का यूज करना चाहिए था, है ना, क्वेश्चनिंग ऐसे करके, नहीं, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट यदि कोई काम करता है तब हम वहाँ पे इज एम आर वॉज वर के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बट ये है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये टैलेंट और ये आर्ट कोई सब्जेक्ट नहीं, यदि ये कोई काम हो रहा है, इस पर कोई काम किया जा रहा है, तब हम बींग का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है ना, उसका थर्ड फॉर्म का यूज किया इस टाइप से। तो मेरे कला और प्रतिभा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओह अरे, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ गया। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं समझ गया। देखिए बीरबल अब समझ गया, सेड बीरबल, तो सेड क्या है, से का सेकेंड फॉर्म है। बीरबल ने कहा मैं समझ गया। जस्ट फॉलो माई एडवाइस, जस्ट यानी बस, जस्ट यानी बस, फॉलो, फॉलो यानी होता है पालन करना, मानना, उसे फॉलो कहते हैं। माई एडवाइस, सी के साथ यदि ई हो, आई हो या वाई हो तो सी का स बन जाता है, वैसे तो सी यानी क भी होता है बट सी का, है ना, जैसे सी ए टी कैट बोलते हो आप, बट यहाँ पे स एडवाइक नहीं बोल रहे हम, मतलब सी के साथ ई हो, आई हो, वाई, ऐसे नहीं कि हर जगह होता है, 90% आपको मिलेगा, बहुत सारे उसके अपवाद भी रहते हैं जहाँ पे सी ई का क होता है, स नहीं होता है, क्लियर है यहाँ पर। तो उसने कहा बीरबल कि जैसे मैं, है ना, बस मेरी सलाह का पालन करो, मैं जो कहूँगा वो करना है तुमको, अब देखिए क्या हुआ। एंड अमीर सरदार, और अमीर सरदार विल ट्रबल यू नो मोर, वो तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रॉयल पेंटर, जो शाही चित्रकार था, वेंट गया, वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, तो ये देखिए गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, और ये गॉन थर्ड फॉर्म होता है, तो गया खाया पिया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए वेंट का यूज किया गया, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो जो शाही चित्रकार गया, टू ये प्रीपोजिशन है, कहाँ गया, अमीर सरदार्स मेंशन अपोस्ट्रोफी एस यानी सरदार के, बहुत सारे सरदार नहीं है, यदि कॉमन ही रहता तो बहुत सारे सरदार हो जाते, ठीक है, अमीर सरदार के हवेली गया, सर जिसे हम श्रीमान महोदय, बहुत सारा श्रीमान, हियर इज योर एग्जैक्ट इमेज, हियर इज ये रहा योर, आपका एग्जैक्ट इमेज, आपका हूबहु चित्र ये रहा, और उसने दिया पेंटिंग को, सेड द पेंटर, पेंटर ने ऐसे कहा और दिया ये रहा।
अमीर ओपन द पैकेज, तो अमीर ने क्या कि ओपन खोला, ओपन का सेकंड ओपन द पैकेज, पैकेज यानी वही बोल सकते हैं कि जो पैकेट जैसे पैक हो पैकेज कहा जाता है, तो उसने पैकेज को खोला एंड सॉ और देखा हिज फेस अपने चेहरे को, चेहरे के रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर, अपने चेहरे को एक आईने में, आईने के क्या रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंब, हाँ हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, और अमीर ने पैकेज खोला अपना चेहरा एक दर्पण में प्रतिबिंब में देखा, अपने चेहरे को एक दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में देखा, अरे ये तो मेरा मेरा ही चेहरा दिख रहा है ये देखिए, पेंडिंग खोलते उसे अपना चेहरा दिखा क्योंकि ये तो आईना था। यू चीट, बोलो तुम धोखेबाज है ना, बोल रहा तुम धोखेबाज हो। हाउ डेयर यू यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ यानी कैसे भी होता है, डेयर यानी हिम्मत, यू यानी तुम्हारी, टेक मी फॉर अ फूल यानी मुझे मूर्ख समझने की, मूर्ख बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आमिर खान चिल्ला रहा, सॉरी आमिर खान बोल दिया ना, आमिर सरदार, दिस इज नो पिक्चर ऑफ माइंड, दिस इज ये है नो पिक्चर यानी मेरी पिक्चर नहीं, ऑफ माइंड यानी मेरी, ये मेरी पिक्चर नहीं है, दिस इज अ मिरर ये एक दर्पण है, मेरी पिक्चर नहीं एक दर्पण है, आईना है। जस्ट देन ठीक तभी बीरबल अराइव्ड, बीरबल अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, उसका सेकंड फॉर्म अराइव्ड है, पास्ट सिंपल टेंस, बीरबल पहुंचा एंड सेड और कहा यस अमीर, हाँ अमीर, हाँ अमीर, अमीर बोली ज्यादा अच्छा है, दिस इज योर एग्जैक्ट इमेज ये तुम्हारा हूबहू चित्र है, बिल्कुल सटीक चित्र है, जस्ट एज यू विश्ड फॉर जैसे तुमने चाही थी, विश फॉर यानी जैसे तुम्हारी इच्छा थी, जैसे तुमने चाही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही इमेज है जो तुम चाहते हो ना, बार बार चेंज करके नहीं, आज देखो जैसे तुम चाहे थे बिल्कुल तुम्हारे, आज भी देखो वैसे दिख रहे चित्र, अब यहाँ पे कल मूछ लगा के आया था, मान लो आज वो मूछ उड़ा के आता तो चित्र में मूछ उड़ाते थोड़ी बनता, लेकिन आईने में देखा तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, बोला कि हाँ ये तो मेरे ऐसे हूबहू चित्र है, अभी मैं देख रहा हूँ अभी मेरा चेहरा जैसे वैसे ही दिख रहा है, कोई बहाना ही नहीं बना पा रहा ये। आमिर सरदार अग्रीड, आमिर सरदार है ना राजी हुआ, दैट की ही वॉज डिफीटेड, डिफीट यानी होता है हार मान जाना, तो उसने मान लिया कि वो हार गया था, एंड पेड मनी टू द रॉयल पेंटर, पेड पे का पेड हो गया सेकंड फॉर्म, चुकाया दिया ऐसे यूज किया जाएगा है ना, रॉयल पेंटर को पैसे दिए, प्रपोजिशन है किसे दिए, रॉयल पेंटर को दिए तो टू लगाएंगे उससे पहले। वंस मोर एक बार फिर, बीरबल सॉ दैट, बीरबल ने देखा कि द रॉयल पेंटर वॉज हिज चीयरफुल सेल्फ है ना, बीरबल को, बीरबल ने देखा कि वो जो रॉयल पेंटर था वो एक बार फिर क्या हो गया था, खुशमिजाज हो गया था, फिर से खुद में वो खुशमिजाज हो गया था ना, अब वो खुश हो गया था क्योंकि वो बहुत खुशमिजाज था, हमेशा हंसते रहता था, बट बहुत ज़्यादा फिक्रमंद देखा, चिंतित देखा, चेहरे पर उदासी देखी, तो पूछा था, तो ये सब कहानी बताई, ऐसे ऐसे करता है बीरबल जी, वो कभी मानता ही नहीं है, क्या करूं, तो फिर बीरबल ने कहा कि चलो मैं बताता हूं क्या किया जाए, उसे मिरर दे दिया, बोलिए देखिए बिल्कुल जब जब आप इसको देखोगे तब तक आपको आपके एग्जैक्ट जो आपका फेस है, आपका जो चित्र है आपको दिखेगा, और सही बात है जिस दिन भी देखोगे उस दिन दिखेगा, मिरर तो है, तो बोले ये मेरी बेहतरीन पेंटिंग है, आप देखो, बोला अच्छा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो भाई तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे, तुम भी तो इसे चीट ही कर रहे थे, धोखा ही दे रहे थे, तुमने जो चाहा था कि बिल्कुल पेंटिंग मेरी तरह हो, ये लो भाई मेरी पेंटिंग देखो, तो इसने देखा बिल्कुल सेम वैसे ही है। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी चतुराई से उसकी समझ लो जो टेंशन था, जो परेशानी हो रही थी उसे उसने बचा लिया, उसका जो समय बर्बाद हुआ, जो मेहनत बर्बाद हुई उसके बदले उसे पैसे भी दिला दिए। इस प्रकार से आपने देखा बीरबल की बुद्धिमानी वाली स्टोरी, आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे। आपने देखा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है, हर एक वर्ड की मीनिंग बताया है, इसके अलावा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भी आपको बताया है ना, और किस प्रकार से टेंस का यूज़ करते हैं, कौन कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, परफेक्ट टेंस भी मिल गया आपको यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट में, कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ मिल गया आपको, विल का वुड वाला यूज़ भी आपको मैंने बता दिया है ना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस तो आपको मिले ही मिले, साथ में सिंपल पास्ट सिंपल टेंस का भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, और सभी वर्ड का, हर एक वर्ड का प्रोनंसिएशन और क्या चाहिए आपको, एक एक वर्ड का सही प्रोनंसिएशन मैंने आपको बताया है। तो बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, यदि पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, पूरे अभी जितनी मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 वीडियो लगातार, उसका PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, और इसका PDF भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाइए, लिंक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, सॉरी इसका
PDF मिल जाएगा, आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखिए आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ आ रहा है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो आप लोग कॉपी में तो लिख लिए होंगे, हर बार आप लोग ऐसे ही किया करें। यदि आप भूल गए आज, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो आपको हार्ड लगता है, वर्ड मीनिंग हो, प्रोनंसिएशन हो, टेंसेस हो, रूल्स हो, तुरंत आप लोग लिख लिया करें अपने शब्दों में, तो आपकी अलग से बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएगी जो केवल आपके लिए रहेगी। हो सकता है मैं जो नोट्स दूँ आप उसे पहले से जानते हो, या उसकी मीनिंग आप पहले से जानते हो, या आपको बिल्कुल समझ ना आए, ऐसे नहीं। आप अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप लिखते जाइए, आपके अपने बेस्ट नोट तैयार हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।